नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए विश्व पटल पर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 की समिट हो रही है, जो अभी इटली में संपन्न हो गई है, वहाँ पर वो गए थे। तो वहाँ जब वो गए तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया इटली की प्रधानमंत्री के द्वारा। ये समझ लीजिए कि भारत में जो नमस्ते किया जाता है, वहाँ पर वहाँ की प्रधानमंत्री जो थी मेलोनी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमस्ते करके स्वागत किया। और वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही उन्होंने स्वागत नमस्ते से नहीं किया, और भी दूसरे लीडर्स का उन्होंने नमस्ते करके स्वागत किया। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि भारत जो G20 में गया था, वहाँ शामिल हुआ था, उससे भारत को आखिर क्या मिला और G20 में ऐसा क्या रहा, कुछ अच्छी चीज़ें रहीं या निगेटिव चीज़ें रहीं। आइए समझते हैं सारी न्यूज़ को विस्तार से। दोस्तों दरअसल क्या है कि भारत G7 का मेंबर नहीं है। भारत को वहाँ पर इनवाइट इसलिए किया गया एज अ गेस्ट, सिर्फ गेस्ट के नाते से वहाँ पे इनवाइट कर लिया गया, और ये पहली बार नहीं किया गया। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि भारत को एक मेहमान, एक गेस्ट के तौर पर वहाँ पर बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो दोस्तों, भारत वहाँ पे आखिर क्यों जाना चाहिए, आखिर क्यों जाए, और भारत को वहाँ जाने से मिलता क्या है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि वहाँ पर भारत को बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। दरअसल वो G7 कंट्रीज़ हैं। G7 का मतलब वो 7 ऐसे कंट्रीज़ का ग्रुप है जो पैसे में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इसमें यूरोप है, USA है, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं उसमें G7। अब दोस्तों, जब G7 कंट्रीज़ हैं, उनकी इस वक्त ग्रोथ कितनी है, उनकी जो अभी एवरेज ग्रोथ चल रही है वो चल रही 1.7%। 1.7% की उनकी ग्रोथ जो है, वही अपने आप में बहुत है। और जबकि इंडिया की ग्रोथ की हम बात करें तो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 7.8% की चल रही है इस वक्त। तो दोस्तों, जब हमारी 7.8% की ग्रोथ है और उनकी 1.7% की ग्रोथ है, फिर भी हमारी 7.8% की ग्रोथ कम है, उनकी 1.7% की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो भारत वहाँ पर निवेशकों को ये दिखा सकता है, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये दिखा सकता है कि देखिए, जहाँ पर जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो 1.7% की दर से बढ़ रही हैं आगे, वहीं भारत में 7.8% की ग्रोथ है। तो आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए पैसा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छी आपको इनकम हो जाएगी, रिटर्न आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर भारत को अपनी पोटेंशियल दिखाने का एक मौका मिलता है, विश्व पटल पे अपने आप को साबित करने का भाई मौका मिलता है। इसलिए G7 कंट्रीज़ के साथ में G7 समिट को अटेंड करना, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये भारत में बहुत ही सराहनीय योग्य काम किया गया है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों, एक तो खबर रही ये, अब G7 कंट्रीज़ में आखिर ऐसा क्या क्या चीज़ें रहीं जो बहुत ही ज़्यादा गलत हुई हैं, जो कहीं से कुछ निगेटिविटी दिखाती हैं। दोस्तों, अगर निगेटिविटी की बात करें तो सबसे पहले निगेटिविटी तो चली आई सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया को इनविटेशन भेजा गया कि आइए आप G7 की जो समिट हो रही है उसमें अटेंड करिए। तो उन्होंने इसका पहले तो जब इनविटेशन आया तो उन्होंने इनविटेशन को देखा और उसको फिर कैंसिल कर दिया, उस इनविटेशन को। और रीजन ये बताया इनविटेशन को कैंसिल करने का कि आपने रशिया के साथ कुछ अनदेखा करा हुआ है। अब वो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वो आखिर अनदेखी है क्या, तो वो आपको वो भी समझना पड़ेगा कि आखिर वो रशिया के साथ जो G7 कंट्रीज़ ने किया है वो क्या अच्छा किया है या बुरा किया है। और उसी का रीजन की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने जो G7 की समिट का इनविटेशन आया था उसको कैंसिल कर दिया और वो नहीं गए। दरअसल दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि कोई भी देश होता है वो अपने देश में सोना चांदी तो रखता ही है, साथ में दूसरे देशों में भी अपना सोना चांदी रखता है कि उसको जब ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से निकाल लेगा, मंगा लेगा, अपने यहाँ रख लेगा। जैसे भारत का भी सोना दूसरे देशों में जमा है, रखा हुआ है। जैसे अभी हमने देखा पिछले कुछ टाइम पहले कि भारत ने इंग्लैंड से अपने सोने को वापस मंगाया है, और वो
अभी इंडिया में आ चुका है। तो ये ऐसा नहीं कि वो किसी और का सोना है, वो सोना भारत का ही है, बस एक सिक्योरिटी मतलब ऐसे वहाँ पर रख दिया ताकि वहाँ पर सिक्योर रहे, और उसके लिए एक फीस पे कर दी जाती। तो ऐसे रसिया ने भी अपना सोना चांदी वगैरह पश्चिमी देशों के पास रखा हुआ था, जिसकी कीमत बताई जाती है कि करीब 500 बिलियन डॉलर। सोचो दोस्तों कितनी बड़ी बात है, 500 बिलियन डॉलर के आसपास के उसकी वैल्यू है जो रखा हुआ है वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का हुआ युद्ध, तो उस युद्ध के बाद रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए, तो वेस्टर्न कंट्री के पास जो भी रसिया का गोल्ड था उन्होंने उसको सीज कर लिया, रख लिया। और रसिया के साथ जो यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, रसिया के ही पैसे से 50 बिलियन डॉलर का लोन यूक्रेन को दे दिया गया है, वो भी बहुत ही कम ब्याज दरों पे। सोचिए दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए कि भारत की कोई एसेट्स हो और वो किसी और के पास है, तो हमारी एसेट्स से और हमारे दुश्मन से अगर हमारा युद्ध चल रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान, और हमारी एसेट को पाकिस्तान को दे दिया जाए और हमारा युद्ध चल रहा है, तो सोचिए ये क्या अच्छी बात है या गलत बात है, ये आप खुद सोच समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही रसिया के साथ हुआ, इसलिए रसिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस इंसिडेंट से। तो इस इंसिडेंट की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने आने से वहाँ मना कर दिया। दोस्तों एक तो ये नेगेटिव खबर रही, इसके बाद एक और भी नेगेटिव खबर रही। तीसरी और नेगेटिव खबर जो सामने आई है वो ये देखने को मिला है कि इटली की प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इन दोनों के बीच में काफ़ी मतलब एक तरह से नोकझोंक हुई है। नोकझोंक कैसे हुई है, क्या है कि इटली में बहुत ही ज़बरदस्त कानून बने हुए हैं अबॉर्शन को लेकर के, कि कोई भी अपना अबॉर्शन नहीं करवा सकता है, उसको अगर करवाना है तो बहुत ही सख्त कानून है, उसको पालन करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो लॉ बना हुआ है फ्रांस इटली में, इसी का प्रधान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को पास ये निर्णय होना चाहिए करने के लिए कि वो अबॉर्शन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो दोस्तों इसी बात को ले करके इटली की प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में नोकझोंक हो गई, तो ये भी एक नेगेटिव खबर रही। इसके अलावा जो बाइडन ने कहा वो क्या था कि दोस्तों एक ये समझ लीजिए कि इटली में वहाँ की सेना के द्वारा एक शो करना था, वो शो देखने के लिए, वो एक कर्तव्य एक स्किल देखने के लिए विश्व के सभी नेता वहीं पर खड़े हुए थे, वो वहाँ उसको देखने वाले थे, सब उन शो को देखने वाले थे, और जो बाइडेन पता नहीं वो कहाँ देख रहे थे, वो दूसरे साइड पे कहीं चलते चले जा रहे थे, देख रहे थे, तो उनका उस तरफ कोई अटेंशन था ही नहीं। तो दोस्तों एक ये भी कुछ निगेटिव चीज़ लगी कि जब सब लोग एक चीज़ देख रहे हैं तो आप दूसरे साइड क्यों चले गए देखने के लिए, वो उनका कोई लेना ही देना नहीं, जैसे वहाँ पर उनको पता ही नहीं लग रहा कहाँ खड़े हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ रही है G7 से रिलेटेड। दोस्तों इस पर अगर कुछ और चीज़ मुझे पता लगती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कि G7 में और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। धन्यवाद।